हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज मैं एक ऐसे कैप्सूल के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी डिमांड काफी बढ़ गई थी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। वैसे इसी कैप्सूल के बारे में बात करें तो ये सही भी नहीं बैठता। ऐसे कई सारे जो टैबलेट की कैप्सूल की कैटेगरी है जो मल्टी विटामिन हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो, ये काफी ज्यादा यूज किए गए हैं। कारण यही है कि हम सब बीमारी से बचना चाहते हैं, लेकिन बीमारी से बचने का सही तरीका केवल ये मेडिसिन लेना तो नहीं होता ना। अगर हमने स्टार्टिंग से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस वगैरह लेना स्टार्ट किए होते, संतुलित भोजन लिया होता, तो शायद हमको उतनी कमी नहीं होती। जीरो तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतनी कमी नहीं होती कि हमको अलग से लेने की जरूरत पड़ जाती। खैर कोई बात नहीं, अगर हमको जरूरत पड़ रही है तो आज हम बात कर लेते हैं इसी में से एक के बारे में। आज का जो प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम क्या है, यह है बीकोजिंक, यानी कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स और जिंक का कॉम्बिनेशन है। साथ में इसमें एक और विटामिन को भी ऐड किया गया है, वह विटामिन सी। सो ये बीकोजिंक है क्या, यह तो ब्रांड नेम है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी में से एक डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाई गई है। इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर ये एक मल्टीविटामिन टेबलेट का एग्जांपल है जिसमें बी के कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी के जो टाइप हैं उसको ऐड किया गया है। साथ में जिंक को ऐड किया गया है और विटामिन सी को यूज किया गया है। ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव सिस्टम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड होता है बेसिकली। तो जब कभी भी हम किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे कोई माइक्रोजम प्रेजेंट हो, चाहे वो आपका वायरस हो आज के सीधे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, या वायरस को ही क्यों ले लें, कोई भी ऐसे पैथोजेनिक सब्सटेंस होंगे, तो जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में बैठा हुआ हमारा बॉडीगार्ड यानी कि एंटीबॉडी उनसे लड़ने की कोशिश करता है। जब ये एंटीबॉडी स्ट्रांग इनफ होता है तो उनको हरा देता है, उनको भगा देता है और हम बीमार नहीं पड़ते, या बीमार होते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि कैपेबल होता है रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं और लंबे समय के लिए बीमार हो सकते हैं या सीबीआईटी बीमारी की बढ़ सकती है। ऐसे केस में हमको जरूरत पड़ती है कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट को लेने की, और वो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलते हैं। सो ये हमको अपनी बुद्धि से नहीं लेनी चाहिए, हालांकि ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो, बट अपनी बुद्धि से क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो, किसी दूसरे के व्यक्ति में किसी दूसरे विटामिन की कमी हो, तो उसको जो कमी थी उसके हिसाब से डॉक्टर ने ये दवाई उनको दी और आपने खुद से ये दवाई ले ली, जबकि आपकी बॉडी में वो विटामिन की कमी है ही नहीं जिसको पूरा करने के लिए आप ले रहे हो। तो आपकी बॉडी में सरप्लस में है फिर भी आप इसको ले रहे हो, और जिसकी कमी है वो तो इसमें है ही नहीं, तो ये आपके लिए सूट नहीं करेगा। हमको सबसे पहले चेक करा लेना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कर लेना चाहिए कि कमी है किस बात की, और अगर ये कमी निकल कर आती है कि हाँ इसमें वो कंटेंट है जो कमी को पूरा कर सकता है, देन गो फॉर इट एज पर योर गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। चलिए बात करते हैं। पहला जो कंटेंट है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स का, विटामिन बी के अलग अलग टाइप होते हैं, हर एक टाइप का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में फर्टिलिटी को मूव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में हेयर के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है, स्किन के हेल्थ के लिए जरूरी है, ऐसे कई सारे सब टाइप होते हैं, इनको हम यूज करते हैं। लेकिन कमी हो जाती है तो फिर वो कैसे हो पाएगा, यहां पे आपको पूरा करेगा। तो मैं आपको एकदम रफ में बता दूं कि इसके जो अलग अलग कंटेंट हैं वो कितने हैं। सब मेटेरियल से आप वीडियोस के बीच में भी देख सकते हो, इसमें जिंक सल्फेट यूज किया गया है, इसमें थायमिन यूज किया गया है, इसमें राइबोफ्लेविन यूज किया गया है, इसमें विटामिन बी को B6 को यूज किया गया है, इसमें विटामिन B12 को यूज किया गया है, और इनमें से मैक्सिमम इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करके बनाया गया है। विटामिन सी इसमें ऐड किया गया है, फोलिक एसिड यूज किया गया है, नियासिनामाइड यूज किया गया है, कैल्शियम यूज किया गया है, और प्रिजर्वेटिव के रूप में कुछ सब्सटेंस यूज किए गए हैं, और एक्सिपिएंट यूज किया गया है। सो इनमें से काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकती हैं। फिर भी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पोनेंट नहीं है, केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिंक है जो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को फास्ट अप करने का काम करेगा, साथ में इसमें विटामिन सी भी है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम होती है इसको ठीक करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी को एक प्रकार से एजिंग के प्री एजिंग बोलना ज्यादा सही रहेगा, इस प्री एजिंग से प्रिवेंट करके रखते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस टैबलेट की खास बात मैंने बता दी कि विटामिन बी मेजर कंस्टिट्यूएंट है, जिंक है इसमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और विटामिन सी है एजिंग को कम करने के लिए। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, टेक केयर।